मुसलमान औरतों की, हिंदू औरतों की और संविधान की जो सबसे बड़ी आवाज मेरी बहन है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जोरदार तालियों से मेरी बहन। बाकी घर की मुर्गी दाल बराबर, सौरभ आसरण जी का क्या ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये कहीं और जाती किसी और के चुनाव में वो लोग शुक्रिया अदा करते, मजा आता। आप लोगों से सिर्फ दो दरखास्त है। पहली, लोगों का हुजूम है लेकिन हमारे कारण किसी भी चीता कैंप के निवासी को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए रोड पे चलने पे। दूसरा, पुलिस प्रशासन, जो भी इलेक्शन कमीशन की टीम है, पुलिस प्रशासन है, ये हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। अगर वो कोई बात हमें बोलते हैं कि इधर से नहीं इधर से, तो उनको पूरा कोऑर्डिनेट मेरे कार्यकर्ता करें। बताओ करोगे नहीं करोगे? ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। हमारी विचारधारा है मोहब्बत वाली, और सना मलिक जी जिस अलायंस की उम्मीदवार है उनकी विचारधारा है नफरत वाली। हम कहते हैं मोहब्बत की दुकान और वो कहते हैं नफरत की दुकान। हम कहते हैं संविधान, वो करते हैं देश को तोड़ने की बात। इसलिए अगर आप मोहब्बत की दुकान को मानने वाले लोग हैं तो याद रखिए हमारे व्यवहार से वो झलकना चाहिए। लोगों को समझाइए कि इस इलाके के अंदर क्या 10 साल में कोई स्कूल नया बना? नहीं। लोगों को बताइए कि 250 स्क्वायर फीट में रहने वाले मेरे चीता कैंप के लोग, क्या उनके बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनी? नहीं। आप उन्हें बताइए कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके लिए जो मैटरनिटी सेंटर बना भी था, क्या उस मैटरनिटी सेंटर में कोई डॉक्टर या मशीन है? नहीं। क्या चीता कैंप का रोड बना? नहीं। और ये सब जब नहीं बना तो नवाब भाई जो बहुत ही शातिर राजनेता है, वो तो पतली गली से निकल लिए मानपुर शिवाजी नगर और मेरी बहन सना मलिक को यहाँ हारने के लिए छोड़ दिया मोटी गली में। एक एक व्यक्ति को आधार उड़ी है और बताना ही भूल गया। ये लोग बोल रहे थे कि हम 1,500 देते हैं। कल राहुल गांधी जी, शरद पवार और उद्धव साहब ठाकरे ने दिया है कि हमारे प्रदेश की महिलाएं 1,500 नहीं 3,000 मिलेगा। बता दो घर घर जाके। अब आप यहां से आपको जाना है सांगली। पहले आप सोचते थे यार 400 रुपए आने के, 400 रुपए जाने के। आप जाके उससे कह दो कि हमने अपने विधायक फहद को आमदार बना दिया है और महाविकास अघाड़ी की सरकार आ गई है। अब महिलाओं को पूरे महाराष्ट्र में ट्रेवल करने के लिए एकदम फ्री पे पास दिया जाएगा। ये आपा को लग रहा है यार, ये तो झूठ बोल रहा है। लेकिन मुझे भी लगा था, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई जब राहुल गांधी जी, शरद पवार साहब और उद्धव साहब ठाकरे ने इस चीज को कल अनाउंस किया। परसों जब मुझे खबर आई तो मुझे भी यकीन हो। देखो हमारा एक ही एजेंडा है, एक, बीजेपी को हराना। क्योंकि बीजेपी वाले लोग हमारे मुसलमान बच्चों की मॉबलिंचिंग करते हैं, बीजेपी वाले लोग हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे से लड़ाते हैं। और दूसरा हमारा एजेंडा क्या है कि हमें अपने इलाके का विकास करना है, यहाँ की सड़कें बनानी है, यहाँ के बच्चों के लिए रोजगार लाना है, यहाँ की नशे की समस्या पे हमें काम करना है। तो आप लोग सब लोग साथ में हो? आगे बढ़ो। मुझे एक ही बात का अफसोस रहता है कि टॉयलेट बनाने में करप्शन लेते थे तो चलो ले लेते थे, इन्होंने 6 करोड़ रुपए का कब्रिस्तान में पैसा लगाया और वहां पे 60 लाख का भी काम नहीं दिखता है। क्या ये लोग भूल गए हैं कि एक दिन हम सबको कब्रों में जाना है और जब हिसाब होगा तो ये पूछा जाएगा
चाचा ये पूछा जाएगा कब्रिस्तान का 6 करोड़ रुपए कहाँ गया? भाई कब्रिस्तान में रोड है क्या? पूछो कब्रिस्तान में रोड है? अब आप ये तय कर लो कि राहुल गांधी बहन और CNRC आंदोलन की साथी वर्दिया पठान बात करेंगे। बहुत भाई मैक दे दो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। नमस्ते। आप लोगों को बस ये बोलना चाहती हूँ कि फहद भाई को और स्वरा भाभी को NRC CA के टाइम से जानती हूँ मैं। फहद भाई वो आदमी है और उनकी टीम के सारे लोग जो NRC CA जो डर महाराष्ट्र में हमको 4 साल पहले देखने को मिला था, उस डर से लड़ने में ये मेरे भाई का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, मेरे भाभी का बहुत बड़ा हाथ है। पर ये जो इलेक्शन है, मैं आपको बता दूं कि ये ठीक है, बदलाव डेवलपमेंट गटर वाटर मीटर तो है एक तरफ, पर ये इलेक्शन जो है ये विचारधारा का इलेक्शन है, सोच का। आप क्या पहनोगे, क्या खाओगे, सुकून से सांस ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, आप कुर्ता पजामा पहन के ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो कहीं कोई गुंडे आपको मारेंगे तो नहीं, ये इलेक्शन है। कहीं आपकी आपकी बहनों को अगर चेम्बूर जैसी कॉलेज में जाना है तो कहीं उनके गुर्जे तो नहीं उतरवा देंगे, ये इलेक्शन है। ये बात ध्यान रखिए, विशालगढ़ जैसा माहौल 2.5 साल इनको मिला है बीजेपी को, तो इन्होंने 2.5 साल में ये हाल कर दिया है कि एक खौफ और एक डर का माहौल बना दिया है हमारे महाराष्ट्र में, जहाँ पर कभी ये सब नहीं होता था। विशालगढ़ फोर्ट में जो दरगाह है वहाँ पे कैसे उन्होंने तोड़फोड़ की ना, तो वहाँ पे तोड़फोड़, ट्रेन में चिचा को मारना, मॉब लिंचिंग करना, महिलाओं का पंखा बैन करवाना, वक्त की जमीनें छीनना, आसाम में इनकी सरकार आ गई, उन्होंने NRC CA लागू कर दिया है। जो लड़ाई इन लोगों ने हम सब ने मिलकर लड़ी थी 4 साल पहले NRC CA की, वो लड़ाई वापस आ जाएगी। अगर हमने महाराष्ट्र में इनको आने से नहीं रोका तो ये लड़ाई फिर से लड़नी पड़ेगी, और इस बार शायद लड़ भी ना पाए क्योंकि ये इतने ताकतवर हो चुके हैं। हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत बड़ा हथियार दिया है जुल्म करने वालों के खिलाफ, वो है वोटिंग का अधिकार, इसको यूज करो, सब जालिमों के खिलाफ यूज करो और महाराष्ट्र को मोदी जी मुक्त करा दो। 20 तारीख को मेरे भाई फहद भाई को पूरी ताकत से वोट करो। पवार साहब के अंडर में इनको जो तुतारी की टिकट मिली है, जोर से उस पर बटन दबाइए और आपके आसपास के सारे लोगों को, महाराष्ट्र में जहाँ पे भी इंडिया अलायंस के लोग हैं जो खड़े हो रहे हैं मशाल से, पंजे से, तुतारी से, उनको बोलिए कि आप आंख बंद करके वोट करो बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि महाराष्ट्र को बचाना है, जंग बहुत बड़ी है और उसमें आपको ऐसे सिपाही लगेंगे, फहद भाई जैसे सिपाही, ताकतवर, बुलंद आवाज, ये आपको लगेंगे, ऐसे लोग आपको नहीं लगेंगे जो डर के ED और CBI के बैठ जाए और दूसरे संगठन में चले जाए, ऐसे लोग आपका काम नहीं करेंगे। आपको पता है मैं क्या बोल रही हूँ, है ना, ED CBI से डर के पलटी मार दे वैसे लोग आपको नहीं बदलाव दिला सकते, आपको ऐसे लोग बदलाव दिला सकते हैं जिनकी आवाज बुलंद है। तो इंशाल्लाह 20 तारीख को सब लोग इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हमारे फहद भाई को वोट करेंगे ना, बदलाव भाई करेंगे, दो नंबर हमको, दो नंबर मिला है, सेकंड नंबर ये देखिए विक्ट्री की निशानी, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग 20 तारीख को मोदी जी को वापस लाएंगे। मुझे मेरे भाई की विक्ट्री की सभा, विक्ट्री की यात्रा में आने की बहुत ख्वाहिश है, मुझे यकीन है मेरे चिंता कैंप के सारे लोग वो विक्ट्री की यात्रा इससे डबल जोर से लगाएंगे। ये हमारे यहाँ से निकला है फहद, पिछले 8 साल से जो है विधानसभा में रह रहा है, वो यहाँ पढ़ रहा है, वो यहीं रहता था, अब शादी करके मेरे को भी यहाँ ले आया है, तो हम लोग रेसिडेंट